नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ एक फ्रूट प्रेस। एक तरह का छोटा सा जूसर है। इसकी मदद से हम पोमीग्रेनेट, मौसमी ऐसे जैसे फ्रूट्स का आसानी से जूस निकाल सकते हैं और डायरेक्टली हम उसको सर्व कर सकते हैं ग्लास में। यूनिट भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है और दो या तीन लोगों के लिए अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें वर्क नहीं करना पड़ता। आप देख सकते हैं यूनिट का साइज़ 9 से 10 इंच का है। ये एल्युमिनियम टाइप की कास्टिंग में बना हुआ है। इसमें फलक्रम पर एक पिन है जहाँ पर सारा लोड आता है। फ्रूट को प्रेस करने के लिए ये मूवेबल हैंडल है। बीज वगैरह ना उसमें जाए जूस में, तो उसके लिए एक जाली लगी हुई है जो उसको रोकती है बीजों को, और जूस इससे छन कर नीचे चला जाता है कैविटी में। काफ़ी ईजी टू यूज़ है, हमें अब किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसके लिए हम काफ़ी सफाई से अपने घर में खुद ही जूस निकाल सकते हैं फ्रूट्स का। फ्रूट को प्रेस करने का जूस को इस पोर्शन से इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं, जो कि सीधा ही ग्लास में डाला जा सकता है। यूनिट नॉर्मल है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ में है, तो यूज़ करने का तो इसको क्लीन करना भी काफ़ी इजी है। सो इजीली हम इसे वॉश करके रख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, जैसे दूसरी मशीन में काफ़ी झंझट रहता है, काफ़ी सारे पोर्शन ओपन करने पड़ते हैं। इसमें जनरली आप ऐसे एक जाली निकालिए और इजीली इसे वॉश कर लीजिए। चलिए इसमें एक पोमीग्रेनेट को यूज़ करते हैं और देखते हैं जूस निकालने में कितना हमें लोड लगाना पड़ता है। सो इजीली हम इसे यहाँ रख देंगे और जस्ट इसे हैंडल को पुश करेंगे। सो इजीली ये प्रेस हो जाएगा और इसमें जूस आ चुका है जितना उसमें से निकलना है, और अब हम इसको इसमें ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से हम कट पीसेस में डालते रहेंगे और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हम अपने ग्लास में जूस को पोर कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप ज़्यादा जूस निकालना चाहते हैं कई मेंबर्स हैं, तो एक बड़ी यूनिट भी आती है इस तरह की, क्योंकि इसमें लीवरेज के लिए हैंडल है, तो इसमें और भी कम लोड लगता है। और आप काफ़ी ज़्यादा जूस अगर निकाल रहे हैं तो इसे बार बार यूज़ करने में कोई ख़ास थकान नहीं होती। प्लंजर को ऊपर नीचे मूव करने के लिए हैंडल है। इसमें भी आप देख सकते हैं हमको हाफ कट करके फ्रूट को रखना होता है और इसको प्रेस कर देना होता है, सीधा इसका जूस नीचे ग्लास में आ जाता है। इस मशीन में भी ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, जनरली ये दो पार्ट्स हैं। एक इसमें बीजों को रोकने के लिए जाली है और नीचे एक कोनिकल फनल है। इसमें लॉक्स हैं जिसमें कि ये फिट हो जाता है टर्न करने से, ताकि ये इधर उधर मूव ना करे। और फाइनली ये पूरी यूनिट हम लोगों को जब इसमें रखनी है, तो इसमें भी आप देखें यहाँ दो लॉक हैं, ये अपनी बेसिक यूनिट है, फिट हो जाता है टर्न करने के बाद। अब आप इसे फ्रूट रखिए, ग्लास को इस पोजीशन पर रखिए और प्रेस कर दीजिए। सो ये जूसर मशीन भी काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हैवी है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। हैव अ नाइस डे।